दो स्टोन क्रशर है, एक हिमाचल स्टोन क्रशर और दूसरा है गोल्डन कर्म जो स्टोन क्रशर। उनकी अवैध माइनिंग के कारण 40-40 फुट जो उन्होंने गहरे खड्डे डाले, उस वजह से जो नदी थी उसने डाइवर्ट होकर के गांव की तरफ को रोक कर लिया। फिर रात को 2023 में अगस्त में जो पानी छोड़ा गया उसमें कम से कम 35 किलोमीटर लंबा हमारा जो मंडल क्षेत्र है वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ। आज हम डीसी साहब के ऑफिस में आए हैं, एक मांग पत्र है हमारा। पिछले 2023 में अगस्त के अंदर जो एक पूरे हिमाचल के अंदर जो त्रासदी बारिश के कारण हुई है उसके कारण हमारा जो मंडल क्षेत्र है वो बहुत ही प्रभावित हुआ है, क्योंकि देर रात को 2023 में अगस्त में जो पानी छोड़ा गया उसमें कम से कम 35 किलोमीटर लंबा हमारा जो मंडल क्षेत्र है वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ। उसमें ज्यादातर हमारे जो मंडल क्षेत्र के लोग हैं मुझे मानते हैं कि नंबर एक कारण बीबीएमबी के द्वारा, क्योंकि उन्होंने सूचित नहीं किया 5 दिन का जो गैप दिया उसके लिए, और जो उस एरिया में लगे हुए स्टोन क्रशर है चाहे वो वैध लगे हैं चाहे अवैध हैं, उनकी जो माइनिंग जो है बिल्कुल गैर कानूनी माइनिंग उन्होंने की है, जिस वजह से दो स्टोन क्रशर है, एक हिमाचल स्टोन क्रशर और दूसरा है गोल्डन कर्म जो स्टोन क्रशर। उनकी अवैध माइनिंग के कारण 40-40 फुट जो उन्होंने गहरे खड्डे डाले उस वजह से जो नदी थी उसने डाइवर्ट होकर के गांव की तरफ को रोक कर लिया, और जिसमें कम से कम भी मवेशियों की तो कोई गिनती नहीं है कि कितने मवेशी जो बह गए पानी के अंदर, और 1000 एकड़ भूमि जो है वो एक मतलब बिल्कुल पत्थरों में तब्दील हो चुकी है, और 2000 एकड़ भूमि फसल हमारी बर्बाद हो गई है। इसकी आडियो हमारे पास है, विभाग के हमें पूरा डाटा भेजा है, हम पूरे सबूतों के साथ ये कह रहे हैं कि इतना इतना जो डाटा इतना नुकसान जो हुआ है। हमारी जो शाह नहर है उसका 16,85,00,000 का नुकसान हुआ है, और हमने ये जो दो स्टोन क्रशर है हम सरकार से यही चाहते हैं कि उनको जल्द से जल्द बंद किया जाए, क्योंकि जिनकी वजह से इतनी भारी जो त्रासदी मंडल क्षेत्र में हुई है, क्योंकि बाढ़ पहले भी आती थी, पहले इतना नुकसान नहीं हुआ होता था, लेकिन जो इतनी गहरी खुदाई करने के बावजूद उन्होंने पानी का जो रुख है वो गांव की तरफ मोड़ दिया और नीचे लेकर के पूरे मिलमा तक जो जितने भी गांव प्रभावित हुए हैं। हमें तो सरकार ने जहाजों के जरिए हेलीकॉप्टरों के जरिए निकाले, लेकिन हमारे मवेशियों को हम कहां लेके जाएं, उनका कौन कोई पूछने वाला नहीं था, उनको कई मवेशी भूखे मरे, और हम वहां पे रहे हैं उस दौर में, हमने देखा है वो दृश्य कि कैसे मवेशी जो पानी में बह करके जा रहे थे। तो इनकी जो दो स्टोन क्रशर है, इनकी जो एनओसी है माइनिंग पॉलिसी के अंदर लिखा हुआ है कि एनओसी जो है वो ग्राम सभा की होगी, लेकिन इनकी एनओसी बैठक की है, बिल्कुल इनवेल्ड है उनकी, इलीगल है उनकी जो एनओसी। और हमने हमारी पंचायतों ने 4 पंचायतों ने प्रस्ताव डाले हुए, हमारी रियाली ग्राम पंचायत की पंचायत सॉरी ग्राम सभा का प्रस्ताव हुआ है, और उसमें हमने उनके माइनिंग लीज को रद्द किया है, रद्द करने का प्रस्ताव हमने पारित किया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए हम आज डीसी साहब के ऑफिस में पहुंचे हैं। उसके बाद जो माइनिंग पॉलिसी है, माइनिंग पॉलिसी को दफ्तर के अंदर रखा हुआ है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर माइनिंग पॉलिसी के ऊपर कार्रवाई कोई होती तो आज ये इतनी जो गहरी खुदाई है ये जो स्टोन माफिया जो क्रशर है वो नहीं करते इतनी गहरी खुदाई को। हमारा जो जीवन है वो मंडल क्षेत्र का जीवन बिल्कुल खतरे में। हम सरकार से प्रशासन से यही गुहार लगाते हैं कि या तो आप इन स्टोन क्रशरों को बंद कर दीजिए, नहीं तो हमें जो हमारी जितनी मिलकीती भूमि बनती है हमारे मकान के लिए 50,00,000 रुपया और हमारी जो मिलकीती भूमि बनती है उसे हमें दे करके हमें किसी और जगह शिफ्ट कर दिया जाए, नहीं तो इस पूरे एरिया को नो माइनिंग जोन घोषित करें और चैनलाइज करें। अगर हमें बचाना है, अगर अपने स्टोन क्रशरों की हमदर्दी करनी है, तो फिर हमें निकाल के वहां से किसी ऐसी जगह पे भेज दीजिए जहां पे हम अपना गुजारा कर सके। दूसरी बात यह है कि हमने एक प्रस्ताव पंचायत की तरफ से डाले हैं, इनकी जो स्टोन क्रशर की जो गाड़ियां हैं वो हमारे स्कूल हैं, गांव हैं, बिल्कुल घनी आबादी के लोग हैं और शैक्षणिक संस्थाएं हैं वहां पे, इनकी जो गाड़ियां उस क्षेत्र से होकर के गुजरती हैं, हमने वो भी प्रस्ताव ग्राम सभा के द्वारा पारित किया कि इनकी गाड़ियों को अलग रास्ता दिया जाए। तो हम सरकार से प्रार्थना करते हैं, अनुरोध करते हैं कि इन्हें कृपा करके हमारे जो गांव के एरिया है उसमें से ना गुजर के ये दूसरा और रास्ता कोई अख्तियार करें, क्योंकि पहले भी इनकी गाड़ियां दूसरे रास्तों से जाती थी, तो इसलिए इनके लिए जो गाड़ियां हैं वो इनको कृपा करके इनको अलग रास्ता दी।